Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? I hope you all are fine. In last class, we started unit number 10. That is present simple, use of want to and need to on page number 43 in your Iqra Applied Grammar book 1. I gave you homework last time. On page number 44, that is practice A, circle the correct option. Want to and need to. जो भी suitable answer था आपको उसको circle करना था. Yes, have you completed this homework like this? There was another exercise on page number 44. That is look at the picture and complete the sentences using need to and do not need to. I think you have completed this exercise like this. On page number 45, we covered another exercise that was very exciting and interesting. Exercise C, look at the picture and complete the sentences using want to, do not want to. I gave you some sentences to solve that and I hope you have done like this. I think you don't have any confusion in previous lecture. Let's move to our today's topic. On page number 46, you have given another exercise, that is extended practice. Write sentences about what you need to and want to do. You may use the word bank to help you. Here word bank is giving. Aap dekh sakte hain, some black boxes are given here for your help. नीचे ब्लैंक्स दी गई हैं, लाइंस हैं, पर्टिकुलर यू हैव टू राइट सेंटेंसेस. आपको सेंटेंस लिखना है. एक एग्जांपल उन्होंने दी है, बी ऑन टाइम फॉर स्कूल. फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे गिवन है, आई नीड टू बी ऑन टाइम फॉर स्कूल. स्कूल के लिए वक्त की पाबंदी करना हम सबकी ज़रूरत है. दैट्स वाई हेयर नीड टू इज़ यूज्ड. नाउ इन सेकेंड सेंटेंस, एन्जॉय स्नोफॉल इन मरी. अब ये आपकी ज़रूरत नहीं है, इट कुड बी योर डिज़ायर, इट कुड बी योर ख्वाहिश. आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं वॉन्ट टू का स्ट्रक्चर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू इन्जॉय स्नोफॉल इन मरी. आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट. यू कैन सी हियर, आई वॉन्ट टू इन्जॉय स्नोफॉल इन मरी. नाउ द थर्ड इज स्टे अलोन एट होम. येस, आई नीड टू स्टे अलोन एट होम. कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है कि हमें अकेला जो है वो घर में रहना है. दैट्स वाई हेयर नीड टू स्ट्रक्चर इज़ यूज. सेंटेंस के सेंटेंस को जब आप देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ गिवन वर्ड्स या जो वोकेबलरी है, इट टेल्स आइदर यू हैव टू यूज़ वॉन्ट टू और नीड टू. The fourth one is write application for leave. छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखनी है. Now यहाँ पे want to आएगा कि need to. अब आप सोच के बताइए कि छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखना हम चाहते हैं या हमारी ज़रूरत है. हम स्कूल से जब ऑफ करते हैं, हम छुट्टी लेते हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं लेते. कोई ना कोई मजबूरी होती है, ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमें छुट्टी लेनी पड़ती है. दैट्स वाई आई नीड टू राइट एप्लीकेशन फॉर लीव. आपको समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस. नाउ द फिफ्थ वन इज बाय अ न्यू वीडियो गेम. एक न्यू वीडियो गेम जो है वो ख़रीदना है. अब वीडियो गेम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसमें कोई ज़रूरत हो. ये तो बच्चे अपने शौक से खेलते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है. येस, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू वीडियो गेम. यू कैन सी हियर, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू वीडियो गेम. Now the last is drive a car carefully. Yes, तो ये ज़रूरत के सेंस में आता है. अगर आप केयरफुल नहीं होंगे तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. सो दैट्स वाई वॉट वी हैव टू यूज़, आई नीड टू ड्राइव अ कार केयरफुली. आई होप दिस स्ट्रक्चर इज़ क्लियर कि किस तरह से आप नीड टू और वॉन्ट टू को प्रेजेंट सिंपल में यूज़ कर सकते हैं.
Now we have another exercise. You can see in this page, on page number 46, word bank is given. Learn to speak. आप देख सकते हैं इस पेज पे एक लर्न टू स्पीक एक्सरसाइज गिवन है. डिफरेंट क्वेश्चंस आपको गिवन है. वी विल डिस्कस. अब आपने ये वोकैबुलरी देखनी है कि ये वर्ड बैंक किस तरह से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में कॉन्वर्सेशन की थी अपने फ्रेंड के साथ, बिल्कुल ऐसे ही. गेट अप लेट, देर से उठना. कुछ लोगों को संडे को देर से उठना बहुत अच्छा लगता है. देर तक सोना पसंद है उनको. ठीक है. हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट, सेहत बख्श नाश्ता करना. गो फॉर अ वॉक, चहलकदमी पे जाना. स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ना. प्ले विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेलना. ईट लंच, दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, खाना खाना. गो आउटसाइड, बाहर जाना. ड्रिंक जूसेस, जूस पीना. सी स्नो फॉल, बर्फबारी देखना. ये बड़ा एक्साइटिंग सा होता है, तो आप किस क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो इस तरह से भी दे सकते हैं. लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखना, तैराकी सीखना. स्विमिंग कहते हैं तैराकी को. ऑफर प्रेयर्स, नमाज अदा करना. ऑब्जर्व फास्ट, रोज़ा रखना. ईट स्नैक्स, स्नैक्स कहते हैं सफ़र को, मतलब कुछ चिप्स वगैरह आप अगर ले रहे होते हैं चाय के साथ शाम में, तो वो स्नैक्स की कैटेगरी में आते हैं. ड्राइव स्लोली, बिल्कुल हल्के हल्के ड्राइव करना, आहिस्ता गाड़ी चलाना. फॉलो रूल्स, रूल्स को फॉलो करना, इट मींस आपको जो है वो हुक्म मानना है, अब चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स हों या हमारे स्कूल के ऑर्डर्स हों. ईट फ्रूट्स, फल खाना. वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करना. एवॉइड स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने को एवॉइड करना. स्विच ऑन एसी, एसी ऑन करना, एसी खोलना. स्टे एट होम, और घर पर रहना. इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए यू कैन गिव द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस एंड लर्न टू स्पीक. आस्क योर पार्टनर अबाउट हिज हर वॉन्ट्स एंड नीड्स. आपके दोस्त को, आपके पार्टनर को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या उसकी ज़रूरत है. आई हैव अ पार्टनर एंड आई एम कॉन्वर्सेटिंग विद माई फ्रेंड. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. व्हाट डू यू वांट टू डू इन द मॉर्निंग? ओह, आई वांट टू डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग. व्हाट डू यू वांट टू डू इन ब्रेक? आई वांट टू प्ले विद माय फ्रेंड्स इन ब्रेक. व्हाट डू यू वांट टू डू इन समर वेकेशन? आई वांट टू गो टू सी साइड इन समर वेकेशन. What do you not want to do in Ramzan? I do not want to watch television in Ramzan. What do we need to do to avoid accidents? We need to drive carefully to avoid accidents. What do we not need to do to stay healthy? We do not need to take junk food or unhealthy food to stay healthy. What do we not need to do if it is hot in summer? We do not need to stay outside at noon if it is hot in summer. What do we not need to do to be successful? We do not need to waste our time to be successful. Now let's exchange our roles. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu. How are you? Alhamdulillah, well provided. What do you want to do in the morning? I want to do exercise in the morning. What do you want to do in break? I want to play with my friends in break. Okay, what do you want to do in summer vacation? I want to go to seaside in summer vacation. Okay, what do you not want to do in Ramzan? I do not want to watch television in Ramzan. What do we need to do to avoid accidents? We need to drive carefully to avoid accidents. What do we not need to do to stay healthy? We do not need to take junk food to stay healthy. Okay, what do we not need to do if it is hot in summer? We do not need to stay outside if it is hot in summer. Okay, what do we not need to do to be successful? We do not need to waste our time to be successful.
On page number 47, we have another exercise, that is ask and reply. Now tell the whole class about your partner's wants and needs. Ab obviously in online classes mein you don't have partner, you don't have classmates. क्लासमेट्स नहीं हैं, क्लास नहीं है, बट आपके फ्रेंड्स या सिबलिंग्स, आपके बहन भाई हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस विद देम. आस्क एंड रिप्लाई में आपके पास जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, इट मींस आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है. और अगर हमारे हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस हैं तो हमारे जो आंसर्स होने चाहिए, हमारे जो रिप्लाइज होने चाहिए वो सिर्फ येस और नो में होने चाहिए. There is a particular way to express our answers. For example, question number 1. Do you want to explore Murray Hills? आप explore करना चाहते हैं Murray Hills? If yes, yes, I do. If no, no, I don't. बस इससे ज़्यादा you don't have to give your answer. Second, do you need to get fresh air to breathe? Yes. आई डू. क्या आपको ज़रूरत है फ्रेश एयर की, खुली फिजा की, फ्रेश हवा की, सांस लेने के लिए? तो अब आप बताइए येस आई डू. थर्ड, डू यू वॉन्ट टू बाई एक्सपेंसिव शूज़? क्या आप बहुत ज़्यादा महंगे शूज़ ख़रीदना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे जूते ख़रीदना चाहते हैं? नो आई डोंट. नहीं, मैं नहीं ख़रीदना चाहती. नो आई डोंट. डू यू नीड टू डू योर होमवर्क नीट एंड क्लीन? क्या आप अपना होमवर्क साफ़ सुथरा करना चाहते हैं, नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं? येस आई डू. अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी कॉपी बहुत अच्छी होगी, नीट एंड क्लीन होगी, मिस हमें गर्ड देंगी. इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं, चीज़ें हैं, वो हमें इंस्पायर करती हैं कि हम अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करें. लास्ट क्वेश्चन इज़, डू यू वॉन्ट टू हेल्प योर फ्रेंड्स इन स्टडीज़? येस आई डू. अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो उससे ज़्यादा तो हम सीख रहे होते हैं, वी लर्न सो मैनी थिंग्स. सो मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहती हूँ. सो मैनी क्वेश्चंस यू कैन मेक, सो मैनी क्वेश्चन यू मे आस्क टू योर फ्रेंड्स, टू योर सिबलिंग्स, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्किल्स, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग. इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 47, लर्न टू राइट. Write four things a patient needs to do and four things he she does not need to do to become healthy. आपको four sentences लिखने हैं, उन चार चीज़ों के बारे में लिखना है जिसको किसी भी मरीज़ को ज़रूरत है कि वो काम करे हेल्दी रहने के लिए, और वो काम ना करे हेल्दी रहने के लिए जो उसकी सेहत पे असरअंदाज हो. आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट. आपको ये काम कॉपी में करना है, इट इज़ योर होमवर्क. नीट एंड क्लीन फोर फोर सेंटेंसेस सेपरेट लिखिएगा, नीड्स टू डू एंड ओके नॉट नीड टू डू. येस योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, राइट फोर थिंग्स यू वॉन्ट टू डू एंड फोर थिंग्स यू डोंट वॉन्ट टू डू ऑन आई स्कूल ट्रिप. इट इज़ अनदर होमवर्क. आपको क्या करना है, आपको फोर फोर सेंटेंसेस लिखना है, उन चार चीज़ों के बारे में लिखना है कि अगर आप स्कूल ट्रिप पर जाते हैं कहीं तो आपको उन चार चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो आपको करनी चाहिए, जी जो आप क्या करना चाहते हैं, और उन चार चीज़ों के बारे में आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए जो आप नहीं करना चाहते हैं. आपको अपनी ओपिनियन देनी है, अपने बारे में बताना है. आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट. इट्स टाइम टू नोट डाउन योर होमवर्क. नाउ लुक एट द बोर्ड. डू एक्सरसाइज लर्न टू राइट ऑन पेज नंबर 47 इन योर कॉपी. नाउ इट्स टाइम टू से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. स्टे ब्लेस्ड एंड सेफ एट होम.